हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू न्यू एरा कलेक्शन। मैं आज आप लोगों के लिए एम्ब्रॉयडर्ड कलेक्शन लेकर आई हूँ। ओरिजिनल पाकिस्तानी है, प्योर लॉन मटेरियल पे डिजाइन है सारे, और इसमें मैं आपको 8 डिजाइन दिखाऊंगी। प्राइस जो इनके हैं टाइटल में मिल जाएंगे, वीडियो का टाइटल चेक कर लीजिएगा। जितने भी आज डिजाइन में आपको 8 पीसेस दिखाऊंगी, सबका सेम प्राइस है और वो टाइटल मैंने डाल दिया है, तो डिटेल में दिखाते हैं। और इसका मैं आपको बता दूं, पूरा जितना भी फैब्रिक है टॉप का, बॉटम का, कुर्ते का, वो दुपट्टे का, तो वो सारा जितना भी है प्योर लॉन मटेरियल पे है, ठीक है। तो ये मैं पहले ही बता रही हूँ, सारी डिटेल्स जो इसकी है प्योर लॉन मटेरियल है, कोई भी इसमें डिफरेंट फैब्रिक नहीं है। तो इसको मैं दिखाती हूँ, फर्स्ट डिजाइन मैं ओपन कर रही हूँ, ये देख लीजिए। आई थिंक ये वाला डबल शेड में होगा, तो इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा डबल शेड में है, ऊपर की तरफ आपको ग्रीन मिलेगा। और ये जितना भी आप ये देख रहे हैं नेकलाइन पे, ये बहुत ही बारीक, एकदम बहुत ही अच्छी, एकदम बारीक नफीस काम हो रहा है इस पे, रेशम का काम है पूरा, आप देख सकते हैं नेकलाइन पे पूरा आपको ये लंबा सा इसमें काम मिल जाएगा। और बाकी इसमें सेल्फ में प्रिंट भी मिल जाएगा, पूरे पे डिजिटल प्रिंट मिल जाएगा। नीचे आते आते इसमें ब्लू कलर हो रहा है, और दामन की तरफ भी आपको डिजिटल प्रिंट मिल जाएगा। और ये हमारे पास जो आया हुआ है, ये महनूर बाय अलजोहेब टेक्सटाइल है, तो वो स्टैम्प थोड़ी आधी कट गई है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया है। और इसका बैक साइड और स्लीव्स देख लेते हैं। ये हो जाएगा इसका बॉटम, ठीक है, ये भी लॉन मटेरियल पे है बॉटम भी इसका। और मैं पहले आपको इसका जो बैक साइड है और स्लीव्स है वो दिखा देती हूँ, ये देख लीजिए, ये इसका है बैक साइड। तो बैक साइड में भी आपको वही डिजाइन मिल जाएगा, ऊपर की तरफ ग्रीन कलर मिल जाएगा जिसमें पूरा आपको प्रिंट मिल जाएगा डिजिटल प्रिंट, और नीचे आते आते इसमें ब्लू शेड में चेंज हो जाएगा, वही सेम कलर है। और ये आप देख लें, ये बीच में जो व्हाइट लाइन आप देख रहे हैं, ये जो इसके नीचे वाली जितनी भी है ये स्लीव्स का पार्ट है, ठीक है। तो ये इसकी बैक साइड और इसकी स्लीव्स हो गई। अब दुपट्टा मैं आपको दिखा देती हूँ, बॉटम में आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। और इसमें देखिए जो फैब्रिक रहता है, जैसे कि अब आप इसमें देख रहे हैं, ये वाला जो मिनिमम जो इसकी रहेगी 33 के अराउंड इसकी विड्थ रहती है, उससे ज्यादा ही रहती है। तो आपका इसमें प्लस साइजेस बहुत आराम से बन जाएंगे, लेंथ भी आपको पूरी मिलेगी, और स्लीव्स के लिए भी फैब्रिक इसमें कम नहीं पड़ता है। और ये इसका लॉन फैब्रिक में दुपट्टा है, डिटेल्स मैं वीडियो में ही बता रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ, तो प्लीज आप लोग ध्यान सुनिएगा। और पूरे पे आपको डिजिटल प्रिंट मिलेगा दुपट्टे में भी, ये देख लीजिए प्रिंट आप चेक कर लीजिए, इसका सिर्फ फ्लोरल प्रिंट मिलेगा इसमें आपको। और दुपट्टा भी जो है वो काफी लंबा चौड़ा है, प्रॉपर नमाजी दुपट्टा है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डिजाइन, और ऐसे ही मैं आपको सारे डिजाइन चेक करवा दूंगी, 7 डिजाइन मुझे और दिखाने हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि फिर क्या होता है कि उससे डाउट्स जो है वो आपके बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए स्किप मत कीजिएगा। हैंड टू हैंड मैं आपको सारी चीजें क्लियर करती जाऊंगी। ये हमारा इसमें सेकेंड डिजाइन है, इसमें डार्क शेड्स भी हैं, लाइट शेड्स भी हैं, तो मैं आपको एक डार्क शेड का दिखा चुकी हूँ। अब मैं आपके जो ओपन कर रही हूँ सामने, वो लाइट शेड वाला कर रही हूँ, ठीक है। ये वाला जो है ये बहुत ही ज्यादा जो लाइट एकदम ग्रे वाला कलर होता है वो है, ये आप देख लीजिए। और इसमें जो हमारे पास है, इसमें नेकलाइन पे एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये यहाँ से आपका नेक वाला पार्ट बनेगा, ठीक है। और मॉडल पिक्चर जो मैंने आपको दिखाई है उसमें आपको आइडिया हो गया होगा, जो आप ये देख रहे हैं ना नेक पर, ये इसमें अलग से ही लेस वगैरह लगा के थोड़ा सा डिजाइनिंग डाली हुई है, बाकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो आपको दामन पे दी है, ठीक है। तो काफी लोग क्या होता है ना, हम लोग हिजाब करते हैं कुछ है, तो उसमें नेक वाला जो पार्ट है वो कवर हो जाता है, तो आप लोग कहते हैं कि कुछ दामन पे एम्ब्रॉयडरी हो दिखाई देगी, तो कुछ इस टाइप का डिजाइन हो, तो ये वैसे ही है। और आप देख लीजिए ऊपर की तरफ आपको पूरा प्रिंट मिल जाएगा, और नीचे दामन की तरफ जो है वो आपको एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी। तो यार ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये वाला बॉर्डर जो है ये रेशम का और जरी के काम का एम्ब्रॉयडर्ड है पूरा। और अब मैं आपको इसकी बैक साइड और स्लीव्स दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो बैक साइड और स्लीव्स पे भी आपको पूरा प्रिंट मिल जाएगा, कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, कम्फर्टेबल है, समर्स के लिए बहुत बहुत कम्फर्टेबल रहेगा। ये पूरा आप देख लीजिए बैक साइड का हो जाएगा, और इस व्हाइट लाइन के नीचे आपकी ये स्लीव्स वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड स्टैम्प आपको सब में मिलेगी, ऐसा नहीं है कि अगर स्टैम्प आपको नहीं मिल रही है, कटी हुई है, तो आपको कुछ रेप्लिका या कुछ दिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये लॉन मटेरियल में बॉटम है, और ये इसका एक पैच आपको दिया गया है जो कि लगा हुआ है बॉटम पे, ये देख लीजिए। इसमें आपको बॉटम पे जो पैच है ये वही पैच इसमें दिया हुआ है, एम्ब्रॉयडरी पैच है, रेशम का काम है इस पे। और अब मैं आपको दुपट्टा दिखा देती हूँ उसका, ये देख लीजिए, ये इसका दुपट्टा है पूरा, आप देख सकते हैं कलर बहुत ही प्यारा है। इसमें जो प्रिंट में जो शेड है ना वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट और बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम फ्रेश सा फील आ रही है इसको देख के।
और ये हो गया हमारा इसमें दुपट्टा। और एक बार फिर से आप मॉडल पिक्चर देख लीजिए, आपको अच्छा लगा हो तो स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दीजिएगा। तो ये हो गया, और अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारी वीडियो का थर्ड डिजाइन। ये वाला जो हमारे पास डिजाइन है ये डार्क पर्पल शेड में है। इस पे भी देख लेते हैं किस टाइप का डिजाइनिंग है। सब में मैं आपको बताऊं, किसी में ऐसा नहीं है कि या तो सब में दामन पे हो या उसमें हो, डिजाइन के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो रही है। एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न भी, एम्ब्रॉयडरी भी, कलर भी जो है वो डिफरेंट हो रहा है थोड़ा। ये आप देख लीजिए, ये अब मैंने जो आप लोगों के सामने खोल रही हूँ डार्क पर्पल शेड है। और ये जितना भी आप अपने सामने इसमें देख रहे हैं, इसमें रेशम का काम है और ये साइड में जरी का काम है। तो रेशम और जरी का हैवी वर्क है इसमें, और साइड में ये ना आपको एक बॉर्डर टाइप का दिया हुआ है जो कि आप इसमें डिजाइनिंग करवा सकते हैं। तो आप ये देख लीजिए, जितना भी आप ही देख रहे हो ना, इससे ऊपर वाला पार्ट है ये सारी एम्ब्रॉयडरी वाला है, और ये नीचे दामन की तरफ आपको थोड़ा सा इसमें डिजिटल प्रिंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका हो गया फ्रंट। और अब मैं आपको इसकी बैक साइड दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए, तो ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड पे भी आपको जो है छोटा सा बॉर्डर मिल जाएगा। ये होता क्या है कि आप या तो इसको बिल्कुल स्ट्रेट करके अपनी बॉटम पे भी साइड से लगवाएंगे तो भी डिजाइनिंग में अच्छा लगेगा। तो ये आपके डिजाइनिंग के लिए होता है, आप जैसे भी करवाना चाहें इसको यूज कर सकते हैं, या फिर यूज नहीं करना है तो कोई जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है यूज करना। और ये व्हाइट लाइन के नीचे जो है ये स्लीव्स वाला पार्ट है। ठीक है, और ये हो जाएगा इसकी बॉटम का मटेरियल। बॉटम का लॉन फैब्रिक में है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसका दुपट्टा। दुपट्टा इसमें लॉन फैब्रिक पे है, आप पूरा प्रिंट चेक कर लीजिए, डिजिटल प्रिंट मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका दुपट्टा। और दुपट्टा भी आपको वही सेम पर्पल टाइप के टोन में मिलेगा पूरा, आप देख सकते हैं डार्क पर्पल शेड है एकदम इसका। ये देखिए, ठीक है, और ये हो जाएगी इसकी मॉडल पिक्चर। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ नेक्स्ट डिजाइन। नेक्स्ट कलर देखिए बहुत ही प्यारा होने वाला है, डार्क ग्रीन शेड है। हो सकता है मॉडल पिक्चर में आपको ब्लैक लग रहा हो, ब्लैक नहीं है, डार्क ग्रीन शेड है ये। ठीक है, दिखाते हैं इसको भी, बहुत ही प्रिटी कॉम्बिनेशन है, कलर एम्ब्रॉयडरी वगैरह सब आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखिए, ये जो है अब देखिए सामने बहुत ही एकदम जो एकदम डार्क वाला ग्रीन शेड होता है वो है। और ये जितना भी आप ये देख रहे हैं ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाली चीज और ये बीच में जो आ रही है मिडिल पैनल पे जो है, वो सारा आपको एम्ब्रॉयडरी है, रेशम का काम है, जिसके अंदर आपको गोल्डन कलर का जरी का काम भी मिलेगा। साइड में पूरा आपको जो है डिजिटल प्रिंट है पूरा, आप देख लीजिए। तो बीच वाले मिडिल पैनल पे यहां तक, इससे ऊपर तक ये एम्ब्रॉयडरी है, बाकी का सारा इसमें डिजिटल प्रिंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और अब मैं आपको इसकी बैक साइड दिखा देती हूँ। ये देखिए, बैक साइड पे भी पूरा आपको प्रॉपर डिजिटल प्रिंट मिलेगा। अच्छा, इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी इसमें एनिमल प्रिंट या बर्ड प्रिंट नहीं है। ये बात मैं इसलिए क्लियर करती हूँ जैसे कि आपको कोई डाउट ना रहे, कि कोई ऐसा तो नहीं कि हम इसको यूज ना कर पाए बाद में, आप बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि सिर्फ फ्लोरल प्रिंट ही इसमें आपको मिलेगा। ये डार्क ग्रीन कलर में इसमें बॉटम का मटेरियल है। और अब मैं आपको उसका लॉन फैब्रिक में दुपट्टा दिखा देती हूँ। दुपट्टा काफी लंबा चौड़ा है, प्रॉपर एकदम आपको लेंथ एंड विड्थ का दुपट्टा मिल जाएगा इसमें, क्योंकि ओरिजिनल पाकिस्तानी में हमेशा हमेशा लंबे चौड़े एकदम दुपट्टे आते हैं, चाहे आप शिफॉन का लें चाहे लॉन का लें। तो ये आपका प्योर लॉन में ये डिजाइन है जो मैं दिखा रही हूँ, ये हमारा डार्क ग्रीन शेड में डिजाइन हो गया। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ नेक्स्ट डिजाइन हमारा। अच्छा देखिए, इनमें ना किसी किसी डिजाइन में पैच आ रहा है, किसी किसी में नहीं है। तो जैसा भी निकल रहा है, जिस डिजाइन में पैच है उसमें आपको पैच के साथ दिखाया जा रहा है, जिसमें नहीं है उसमें हम लोग कुछ नहीं दिखा रहे हैं। तो इसलिए डिजाइन को आप प्रॉपर देख लीजिएगा, जो भी कलर आपको समझ में आए, जो भी पैटर्न आपको समझ में आए, उसमें आप पूरा प्रॉपर देख लीजिएगा, जिससे आपको पता चले। ऐसा नहीं है कि आपने कोई पैच वाला डिजाइन देख लिया फिर आपने कहा कि नहीं हमारे सूट में पैच नहीं निकला, ऐसा नहीं है। किसी किसी में है, किसी में नहीं है। अभी ये जो मैंने आप लोगों के सामने ओपन करा है, इसका ब्राउन शेड है, एकदम ब्राइट वाला वैसा नहीं है, डल ब्राउन शेड है। और पूरा आप देख लें, उसमें जो प्रिंट है वो रेड कलर का और ग्रीन कलर का प्रिंट है, पूरा डिजिटल प्रिंट है ऊपर से लेके। और इस वाले डिजाइन में दामन पे जो है आप देख रहे हैं, ये वाली दामन पे जो चीज है ये पूरी एम्ब्रॉयडर्ड है। ठीक है, तो एम्ब्रॉयडरी आपको इसमें दामन पे दी गई है। और इसका मैं आपको बैक साइड और स्लीव्स दिखा देती हूँ। ये वाला पीस बहुत खूबसूरत है, कलर एकदम डिफरेंट है, यूनिक है, और जो प्रिंट में जो शेड्स आ रहे हैं वो भी बहुत प्यारे आ रहे हैं। तो ये इसका बैक साइड है, आप देख लें, बैक साइड पे भी पूरा आपको डिजिटल प्रिंट मिल जाएगा। और इस व्हाइट लाइन के नीचे जो है ये आपकी स्लीव्स वाला पार्ट है। ठीक है, तो
तो ये हो गया हमारा। और ये इसके बॉटम का मटेरियल है ब्राउन शेड में, लॉन मटेरियल। और ये इसका दुपट्टा है, मैं आपको दुपट्टा ओपन करके दिखा देती हूँ। तो जो डिजाइन बैक साइड पे दिया है ना, इसमें वही सेम दुपट्टे पे आपको प्रिंट मिल जाएगा पूरा। आप देख लें, काफी खूबसूरत इसमें प्रिंट है, ये देख लीजिए। ठीक है, तो ये इसका लॉन मटेरियल में हो गया दुपट्टा। और एक ये इसमें पैच दिया हुआ है, क्योंकि मॉडल पिक्चर में बॉटम पे पैच है तो इसमें भी ये पैच है, और काफी खूबसूरत लगेगा। आपकी अपनी मर्जी है, अगर आप इसको स्लीव्स पे लगवाना चाहें तो आप लगवा सकते हैं। वो मैं इसलिए बता रही हूँ बॉटम के लिए, क्योंकि मॉडल पिक्चर में बॉटम पे ही लगा हुआ है। तो ये हमारा ब्राउन शेड हो गया। और अब मैं आपको एक पीस दिखा रही हूँ, चलिए लाइट शेड ले लेती हूँ, काफी देर से मैं आपको डार्क शेड ही दिखा रही हूँ। तो ये लाइट कलर में बहुत ही लाइट सा, जो एकदम बहुत ही ज्यादा लाइट, जो पिंक शेड होता है वो वाला मैं आपको दिखा रही हूँ। लाइट में इतना ज्यादा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि वीडियो में ना लाइटिंग की वजह से ये डार्क आए या फिर कोई और शेड आए, तो इसलिए मैं कह रही हूँ। बिल्कुल ऑफ व्हाइट से मिलता हुआ सा जो पिंक होता है ना, वो वाला है। आप ये देख लें, इसका बिल्कुल पैटर्न डिफरेंट है। ये आप जो देख रहे हैं, यहाँ से आपका नेकलाइन बनेगा, और ये जितना भी आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं नेक पर, ये सारी हैवी रेशम का काम है, इसमें कोई जरी का काम नहीं दिया है। और साइड्स में जितना आप देख रहे हैं वो सारा डिजिटल प्रिंट है पूरा इसमें। ठीक है, ये इसमें हो गया। और अब मैं आपको इसकी बैक साइड दिखा देती हूँ। ये बहुत ना हल्का सा होता है ना, काफी सारे कलर का मिक्स करके और काफी अच्छा सा लगता है, वैसा वाला है डिजाइन। कलरफुल पैटर्न है इसका। और ये इसकी बैक साइड, बैक साइड पे भी आपको लगभग सेम प्रिंट मिल जाएगा, पूरा डिजिटल प्रिंट है पूरे पे, ये आप देख लीजिए। और इस व्हाइट लाइन के नीचे जितना आप देख रहे हैं, ये स्लीव्स वाला पार्ट है, उस पर भी आपको सेम प्रिंट मिलेगा। अच्छा, मैं आपको एक बात यहीं पे क्लियर कर देती हूँ, इसमें जो डिजाइन है, आप लोग चाहे तो वीडियो पॉज करके जूम करके देख सकते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ पेड़ बने हुए हैं, मतलब ट्रीज बने हुए हैं, कोई भी इसमें बर्ड या एनिमल नहीं दिख रहा मुझे, सिर्फ और सिर्फ इसमें ट्रीज वाला प्रिंट है। ये हो गया। और ये बहुत ही ज्यादा लाइट एकदम शेड में आपको बहुत, इसमें हल्का सा कहीं पिंक टोन आ रहा है, वैसे तो ऑफ वाइट टाइप का ही लग रहा है, लेकिन है यूसी टाइप के कलर में जो सूट का कलर है। और इसका मैं आपको दुपट्टा दिखा देती हूँ, ये आप दुपट्टा चेक कर लें, इसका काफी खूबसूरत है। ये ऐसा वाला कलर है बिल्कुल, जैसे कि अगर आपको किसी अपनी मदर्स के लिए या वैसे किसी ज्यादा एज वाली उनके लिए लेना है तो आप उनके हिसाब से ले सकते हैं। कलर बहुत लाइट है, डिसेंट है। तो ये हमारा हो गया लाइट कलर में। मॉडल पिक्चर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो। अच्छा देखें, इसके बॉटम पे ना कोई ये पैच नहीं है, ये डिजाइनिंग डाली हुई है लेस लगा के। ठीक है, तो आप इसको मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा कि ये पैच है, दिखाया नहीं है, तो लेस से डिजाइनिंग डाली हुई है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ हमारा, चलिए पहले मैं आपको दोबारा पीस दिखा देती हूँ, ऑरेंज एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये जो इसका कलर है एकदम ब्राइट ऑरेंज कलर है। ठीक है, ये मैं आपको यहीं पे क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप डल समझे कुछ है, लेकिन नहीं, अच्छा खासा डार्क ऑरेंज शेड है, ये देख लीजिए। और इसका ये जो है आप देख लीजिए, इसमें डिजाइनिंग बिल्कुल डिफरेंट है, काफी खूबसूरत पीस लगेगा ये बनने के बाद। इसमें तो ये साइड में जितना आप देख रहे हैं सारा प्रिंट है, यहां से नेक वाला पार्ट बनेगा, और ये वाला जो चीज है और ये वाला जो पार्ट है, यहां तक इससे ऊपर तक ये सारी एम्ब्रॉयडरी है, तो पूरा रेशम का काम है, इसमें कोई जरी का काम नहीं है इस वाले पीस में। और नीचे तक पूरा ब्लू शेड में आपको डिजिटल प्रिंट दिया गया है, नीचे तक आप देख लें इसको। और ये इसका बॉटम का मटेरियल है लॉन फैब्रिक में। इसकी बैक साइड और स्लीव्स देख लेते हैं आप। अगर देखिए, इसका फ्रंट साइड अलग दिया हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कम पड़ेगा फैब्रिक उतना ही है जितना कि आपको दिया जाता। इसके साथ में अगर कंबाइन होता, उसमें एम्ब्रॉयडरी है इसलिए वो पीस अलग से रखा हुआ है, बाकी ये दोनों पीसेस को साथ में दिया गया है। तो ये इसकी बैक साइड है, आप प्रिंट चेक कर लीजिए बैक साइड का। और ये जो व्हाइट लाइन आप देख रहे हैं, इसके नीचे जो है ये स्लीव्स आ जाएंगी। ठीक है, तो ये बैक साइड हो गई और स्लीव्स हो गई। और अब मैं आपको दुपट्टा दिखाती हूँ। बॉटम में आपको इसका ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, ऑरेंज कलर में ही इसका बॉटम दिया हुआ है। और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे में जो ज्यादा शेड आ रहा है वो ब्लू शेड आ रहा है। तो कॉम्बिनेशन इसका मैं आपको बताऊं, सामने से देखने में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है, काफी डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। और ये इसका दुपट्टा हो जाएगा। तो दुपट्टे में जो है वो सिर्फ बॉर्डर्स पे जो है प्रिंट में ऑरेंज कलर है, बीच में पूरा ब्लू शेड है, ये देख लीजिए। ठीक है,
तो ये हमारी वीडियो का सेकंड लास्ट पीस था और अब हमारी मैं लास्ट पीस रह गया है वो दिखा देती हूँ जल्दी से। आप लोग वैसे भी इंतजार कर रहे हैं कि मैं एक बार स्क्रीन के सामने आ चुका है ये पीस। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन होगा ब्लैक एंड रेड के कॉम्बिनेशन में होगा और सब इसको कितना पसंद करते हैं ब्लैक एंड रेड को आप लोग सब जानते हैं, हिट एकदम जाता है वाला डिजाइन। और ये देख लीजिए ये इसका फ्रंट वाला पार्ट है। इसमें मैं आपको बताऊं जो ये आप नेकलाइन देख रहे हैं इस पे एम्ब्रॉयडरी मिलेगी और रेड कलर की, रेड एंड पीच कलर की कॉम्बिनेशन में एम्ब्रॉयडरी है। सिर्फ रेशम का काम है, हैवी काम है और जरी का काम नहीं है। बाकी का जितना भी आप देख रहे हो आसपास वो सारा प्रिंट है, जितना भी आप देख रहे हैं सारा प्रिंटेड है। बाकी का इसमें पूरा नेकलाइन पे काम मिल जाएगा। और बैक साइड और स्लीव देखते हैं आप इसकी, ये देख लीजिए ये देखिए। तो ये इसकी बैक साइड और इसकी स्लीव्स हो जाएंगी। बैक साइड में भी पूरा ऊपर तक वही सेम प्रिंट रहेगा लगभग, ब्लैक पे व्हाइट का प्रिंट और नीचे बॉर्डर की तरफ जो बैक साइड का नीचे दामन की तरफ आ जाएगा वो उस पर रेड का प्रिंट आ रहा है। ये व्हाइट लाइन के नीचे स्लीव्स हो जाएंगी, ठीक है। और ये बॉटम का मटेरियल है लॉन फैब्रिक में। और मैं अब आपको दुपट्टा दिखा देती हूँ उसका, ये देखिए। तो ये हो गया इसका दुपट्टा, दुपट्टा इसका काफी खूबसूरत है। ये आप जो प्रिंट देख रहे हैं पूरा दुपट्टा प्रिंटेड है, कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, सारा इसके बॉर्डर पे जो पल्लू की तरफ आ रहा है काफी खूबसूरत लग रहा है प्रिंट, ये देखिए। तो काफी हैवी प्रिंट के साथ दुपट्टा है इसका। और ये भी मैंने आपको पूरा दिखा दिया है। अब आपको जो भी डिजाइन पसंद आया हो आप लोग उसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, मुझे प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दीजिएगा। क्योंकि होता क्या है कि काफी बार ना इससे ब्राइटनेस नहीं वो होती है तो कलर काफी बार सेम लगता है, तो एक बार मुझे कलर बता भी दीजिएगा कि आपको कौन सा वाला चाहिए, ठीक है। तो हमारी आज की वीडियो में यही 8 डिजाइन थे। प्राइस जो इनका है वो टाइटल में वीडियो के मिल जाएगा, वो फाइनल प्राइस है, इसमें कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं है, वही फाइनल प्राइस रहेगा और ना मैं लेस कर पाऊंगी इसमें, ठीक है। तो आप लोगों को जो भी पसंद आया स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।